अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जावा ए की एक नई अपडेट लेकर आया हूँ। तो गाइस, काफी लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे और साथ में व्हाट्सएप वगैरह पर भी मुझसे राब्ता कर रहे थे कि आप कोई नई अपडेट आई है जावा ए की, और फिर काफी परेशानी आ रही थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी। लेकिन अब मैं जो अपडेट लेकर आया हूँ, ये आपके जो भी जहन में ख्याल आ रहे हैं उनका मुकम्मल निचोड़ है, उन बातों को बिल्कुल ये मनफी करने वाली है। जो बात होने वाली है बिल्कुल एक्यूरेट और करेक्ट होने वाली है। तो गाइस, काफी लोग ये कह रहे थे कि हमारा अकाउंट फ्रोज हो चुका है, अभी तक वो ओपन नहीं हुआ, और काफी लोग ये कह रहे थे कि हमारा विड्रावल नहीं आया, और कुछ लोग ये कह रहे थे कि हमारी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन अभी भी अंडर रिव्यू में है। तो अब क्या होगा, क्या करेंगे? अभी तक वो कह रहे थे हम फलां से रब्ता कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर रहे हैं, कस्टमर सर्विस ए पर भी कर रहे हैं, बी पर भी और सी पर भी, कोई हमें जवाब नहीं दे रहा। तो गाइस, जो अभी अपडेट लेकर आऊँ वो अब हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, तो वहां पर आप लोगों को वाजी चीज नजर आएगी। तो गाइस, जो चीज यहाँ पर आप लोग, अब हम आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। यहाँ पर गाइस, अब हम चलते हैं क्रोम पर। क्रोम पर जाने पर अब ये देख सकते हैं, ये भी बिल्कुल जावा आई, यानी कि जावा आई की जैसी बिल्कुल एक्यूरेट, यानी कि वही चीज, एक जैसे उनका नया प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। आप ये समझ लें कि जो उनका पुराना प्रोजेक्ट था वो बिल्कुल अब खत्म हो चुका है। जावा आई आप बिल्कुल फ्लॉप, और ऐसे समझ सकते हैं कि जावा आई आप बिल्कुल किसी को कुछ नहीं देने वाली, एक रुपया तक भी नहीं देने वाली, अब वो भाग चुकी है। अब हम चलते हैं ब्लू ब्लू स्काई फिल्म .com पर। यहाँ पर आप लोग देखें, वही ऊपर देख सकते हैं BS, आगे था जावा आई, अब क्या है BS, वही जैसे था। यहाँ पर मोबाइल नंबर था लेकिन यहाँ पर अभी नहीं है, ईमेल, साथ में वही लॉगिन, वही यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट और करेक्ट। अब हम चलते हैं वहां पर, यहाँ पर लॉगिन करना, क्योंकि मैंने यहाँ पर इनविटेशन कोड रखा हुआ था, इसलिए इस यानी कि इस साइट पर आया हूँ, क्योंकि वहां पर भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हम करेंगे रजिस्टर नो, यहाँ पर वैसे आ गया, क्योंकि हमारे पर इन्विटेशन कोड नहीं था, मैंने यूट्यूब से एक यानी कि इन्विटेशन कोड ढूंढा है। अब आप लोगों का बताता हूँ, HMZ यहाँ पर देख सकते हैं, और फिर अब हम चलते हैं नीचे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इस तरह कोड हम सिंपली लगाते हैं और इसको करते हैं यहाँ पर ओके, और रजिस्टर कर सकते हैं। ये देख सकते हैं अब बिल्कुल रजिस्टर्ड हो चुका है। अब यानी कि ये देखिए ओपन हो गया। अब यहाँ पर देखें इंटरफेस, क्या कुछ कमी यानी कुछ चेंजिंग आ रही है? कोई चेंजिंग नहीं है, वही चीज जैसे वहां पर था, जिस तरह यानी कि जावा ही में था, वैसे इसमें भी इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल एसेट्स पर जाते हैं, जैसे ये देखें अभी तक 0 एसेट्स हैं और कोई चीज नहीं है। यहाँ पर आते हैं, बिल्कुल कोई चीज में कोई फर्क आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा। अब हम कर चाहते हैं रिचार्ज पर, रिचार्ज पर अभी उनका जो रिचार्ज इंस्ट्रक्शन, अभी यानी कि वो उनका जो रिचार्ज का ऑप्शन नहीं आया, क्योंकि अभी वो अभी दोबारा उन्होंने यहाँ पर ओपन किया है। अभी भी काफी लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी फंसेंगे, वो क्यों? क्योंकि वो कहेंगे जिस तरह पहले उन्होंने पैसे दिए, अभी भी वो शुरू में पैसे देंगे, फिर यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि ये पागलपन आप मत कर रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं, क्या ये बिल्कुल उनका ही न्यू प्रोजेक्ट है? गाइज, आप लोग देख सकते हैं अभी कोई भी फर्क नजर आ रहा है आप लोगों को? कोई फर्क नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल वही चीज जो वहां पर थी। अभी ये देखें, फर्स्ट पर जो पॉपुलर वहां थी, यहाँ पर भी वही पॉपुलर। अब यहाँ पर देखें, बाय करना, कैसे करना, यहाँ पर वाउचर, बैलेंस, ETC, हर चीज वही है। वहां पर माई अकाउंट पर आ जाए आप लोगों को, वहीं पर भी वही चीज आप लोगों को शो हो रही होगी जो वहां पर थी, ये देख सकते हैं। क्या अब भी लगता है आप लोगों को कि क्या जावा या वापस आएगी? नहीं, क्योंकि अब वो भाग चुकी है, मजीद अब उनका कोई चांस नहीं है। तो गाइज, अगर आप लोगों को यानी कि ये चीज बिल्कुल करेक्ट लग रही है, उनके न्यू प्रोजेक्ट है, तो फिर आप लोग यही समझे कि अब जावाई बिल्कुल क्लोज हो चुकी है, वो अब कुछ भी नहीं देने वाली। अब आप मजीद जावाई पर अपना वक्त जाया मत करें और आगे बढ़ें। तो गाइज, जो ये एप्लीकेशन है, इसके बारे में मैं आप लोगों को आगे भी मजीद अपडेट दूंगा, क्या ये हमारे साथ स्कैम करने वाली है, या ये अभी सिर्फ फेक अकाउंट उनकी वेबसाइट है, या क्या कर रहे हैं। तो गाइज, मजीद आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आप लोगों को मजीद इनके बारे में मालूमात देता रहूंगा। तो गाइज, अब जो खास चीज यही है कि आप अब लोग इनके बारे में पूछना सोचना बंद कर दें और अपने काम की तरफ बढ़ें, और मजीद हर चीज के बारे में अच्छे तरीके से उनको नॉलेज लेकर आगे चलें। गाइज, काफी लोग फोर्सेज के बारे में भी
ऑप्शन यानी कि काफ़ी पूछ रहे थे, मैंने जो वीडियो बनाई है वो आप लोग मजीद देख सकते हैं, उस पर भी स्कैम अलर्ट्स हैं, लेकिन आप लोग देखेंगे अगर आपको लगे कि उसमें भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तब आप करें, अदरवाइज आप लोग ना करें। वो वीडियो भी आप लोग इसी यानी कि इससे पहले की है, इसकी डिस्क्रिप्शन में फोर्सेज के बारे में मुकम्मल आपको वीडियो मिल जाएगी। तो अगर आप लोग ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।